नारी शिक्षा पर अधिक जोर देने की जरूरत है, इसमें प्रगति भी हुई है। मुझे विश्वास है कि थोड़े ही समय में हम पूरे देश को साक्षर बनाने में सफल होंगे। अपने इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। हमें जिम्मेदार है दीदी, हमें जिम्मेदार है। तुम्हारी गरीबी से ज्यादा जिम्मेदार है तुम्हारी अज्ञानता। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं कहना ये चाहता हूँ ठाकुर साहब कि इस गांव में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की दशा ठीक नहीं है, और दुख इस बात का है कि वो इसके प्रति जागरूक भी नहीं है, और इसीलिए बहुत से बच्चे समय से पहले मर जाते हैं। हम में से अगर एक भी नारी निरक्षर रह जाएगी तो हमारी ये सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। अपने बच्चे का दाखिला खुद अपने आप ही जाके करवाया, क्या पहले भी हो सकता था? तो क्या आप मानते हैं कि शिक्षा ने आपके जीवन को नया रंग दिया है? जी। अगर आप अपने पड़ोस के किसी एक व्यक्ति को भी पढ़ाती हैं तो आपकी शिक्षा सार्थक है। एक बात पूछूंगा। हाँ पूछ। देख रही हूँ बहुत देर से कुछ पूछने के लिए कुल बुला रहा है, पूछना। माँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कैसे कोई आदमी एक ही झटके में अपनी माँ और बीवी से संबंध तोड़ सकता है। चल हो गया, इसे खोर पे बांध दे। माँ, आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। राहुल, मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या जवाब दूं? लेकिन ऐसी कौन सी उलझन है माँ जो आप सोच नहीं पा रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं? बेटा, दरअसल तेरे पिताजी के व्यवहार से तेरी दादी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और आप माँ, आपको बुरा नहीं लगा पिताजी का व्यवहार? बुरा क्यों नहीं लगा, मेरा तो संसार उजड़ रहा था, लेकिन मैं गूंगी गुड़िया बनकर रह गई थी। अच्छा माँ, आपको उम्मीद थी कि पिताजी एक दिन वापस आएंगे? इस उम्मीद पर तो आज तक मेरी सांसें टिकी हैं। तो फिर माँ, उस दिन जब पिताजी आए तो आपने पर्दा क्यों कर लिया? मैं उन्हें असमंजस में नहीं डालना चाहती थी। असमंजस? लेकिन कैसा असमंजस माँ? राहुल, शायद हमने ही उनके आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। यह जो रास्ता उन्होंने चुना था वो लौटकर वापस नहीं आता था। मैं तो खामखा ही उनका इंतजार कर रही थी। माँ, उस दिन क्या हुआ था, मुझे बताओ ना, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन जब वो जा रहे थे, चौखट से बाहर पैर रखने से पहले मेरी बात सुन जा देवेंद्र। ये जो तू अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा पे इतना गुमान कर रहा है ना, ये मेरे पेट से सीख कर पैदा नहीं हुआ था। इसमें गुमान की बात नहीं है माँ, फिर मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो तुम इतना नाराज हो रही हो मुझसे, बल्कि नाराज तो मुझे होना चाहिए तुमसे। खैर, इस मुद्दे पे मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहूंगा। और फिर माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी बहू को छोड़ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गायत्री यहां तुम्हारे पास रहेगी गांव में, और फिर हर महीने मैं तुम दोनों के खर्चे के पैसे तो भेजता ही रहूंगा ना। पैसे भेजता रहेगा? पैसे भेजेगा अपनी माँ और बीवी के लिए। जैसे तू पैसे नहीं भेजेगा तो हम मर जाएंगे। आज तक तेरे पैसे नहीं आए तो हमने कुछ खाया ही नहीं, बस यूं ही हवा और पानी के दम से तू इतना बड़ा हो गया। अरे, तूने 10वीं भी नहीं की थी जब तेरे बाबा चल बसे थे, तब से तेरी ही कमाई पर तो जी रहे हैं। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बात पर मुझसे नाराज हो रही हो। देखो, ये तो तुम भी मानती हो ना कि मुझे अपनी नौकरी के लिए शहर तो जाना ही होगा, तो मैं शहर जा रहा हूँ बस। मैं तेरे शहर जाने से नाराज नहीं हूँ रे, मैं नाराज हूँ
जिस तरह तू अचानक बहू से नाराज होकर जा रहा था। अच्छा ठीक है बाबा, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, खुश नहीं है नाराज तो ठीक है, आजा बहू के लिए जाता। नहीं माँ, नहीं, अभी ये संभव नहीं है। तू अपने कर्तव्य और दायित्व को भले ही भूल जाए, लेकिन इन हड्डियों में दम है अभी जो अपनी बहू को संभाल सके। बेटी तू घबरा मत, मैं हूं ना। वो आज तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ के गया है कि तू अनपढ़ है। मैं तुझे काबिल बनाऊंगी, इतना काबिल कि वो खुद लौट कर आएगा तेरे पास। आखिर उसे इस हैसियत तक पहुंचाया किसने? मेरी मेहनत और हिम्मत ने बेटी, और वो हिम्मत इन हड्डियों में है अभी। मेहनत करने का दम है मुझ में। बस बेटी तू उम्मीद का दामन मत छोड़ना, मत छोड़ना उम्मीद का दामन। हटकर बैठा चांद एक दिन, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका, सिलवा दो माँ मुझे उनका, मोटा एक झिगोला, मोटा एक झिगोला। सनसन चलती हवा रात भर, सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मैं मरता हूँ, जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर, ठिठुर ठिठुर कर, किसी तरह मैं, किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ, यात्रा पूरी करता हूँ। कविता एक मिनट, मैं एक मिनट में आ रही हूँ, आप बेटा इधर आओ। जो सबक मैंने अभी करवाया ना, आप इनको करवाइए, मैं अभी आती हूँ। आओ आओ मौसी, नमस्ते। भौजी नमस्ते। नमस्ते बेटी, जीती रहे। क्या बात है मौसी, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई आप? अरे बहू को लेकर आई हूँ तेरे पास, इसे भी पढ़ा लिखा के अपने जैसी बना दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भैया चले गए? हाँ वो तो कल ही चला गया। मगर इतनी जल्दी? अब अभी कुछ रोज पहले ही तो भाभी का गौना करा के लाए थे और अभी चले गए। अभी तो रुकना चाहिए था ना उन्हें। होना तो बहुत कुछ चाहिए बेटी, पर हर चाही बात होती कहाँ है। क्या बात है मौसी, बहुत परेशान लग रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस इसे थोड़ा पढ़ना लिखना सिखा दे, मेरी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है मौसी तुम जाओ, अब भौजी की पढ़ाई की समस्या तुम्हारी नहीं मेरी है। अच्छा फिर मैं इसे थोड़ी देर में आके ले जाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं है मौसी, मैं खुद ही भौजी को घर छोड़ दूंगी ना। बहू ये प्रधान जी की बेटी विमला है, पूरे गांव की मास्टरनी है। इसने गांव के अच्छे अच्छे बूढ़ों को ऐसे रटना सिखा दिया है कि वो अखबार पढ़े बिना उन्हें चैन ही नहीं आता। तो ये तो अच्छी बात है ना मौसी। हाँ बेटी तभी तो इसी को लाई हूँ तेरे पास। ये छोड़ जाएगी तो घबराती क्यों है, बहुत अच्छी लड़की। बेटा छोड़ जाना, इसे डर रही है, पहली बार निकली करते। आप चिंता मत करो मौसी। मौसी का भी जवाब नहीं, सारी उम्र तो बेटे को पढ़ाने में गला दी और अब आपकी पढ़ाई का बीड़ा उठा लिया। क्या बात है भौजी, आप तो कुछ बोलती ही नहीं। क्या बोलूं? अरे कुछ भी, अपने बारे में, भैया के बारे में, पढ़ाई लिखाई तो होती ही रहेगी। चलिए आइए बैठ के बातें करते हैं। तो आप बताओ भौजी क्या बात है। कौन सी बात? भैया की। इतनी जल्दी क्यों चले गए भैया, और तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? शायद हम उनके काबिल नहीं हैं। ऐसा उन्होंने कहा? हर बात कह के थोड़ी जाहिर की जाती है। मगर भाभी जब आपकी शादी हुई थी तो भैया कौन से पढ़े लिखे थे, मुश्किल से चौथी या पांचवी जमात में होंगे। लेकिन तब शादी का मतलब कहां समझते थे हम। हाँ ये भी तो है, बाल विवाह तभी एक अभिशाप है। खैर कोई बात नहीं, पर भाभी एक बात बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं गई? क्या कहूँ, मेरा भाग्य। मैं तो छोटी थी, शिक्षा के महत्व से अनजान थी, लेकिन मेरे माँ बाप भी इसके महत्व को नहीं समझ पाए। उनके लिहाज से शिक्षा सिर्फ लड़कों के लिए जरूरी है क्योंकि उन्हें बाहर जाकर काम करना होता है,
लड़कियों को तो सिर्फ गृहस्थी चलानी होती है, इसलिए उन्हें इसकी क्या जरूरत है? मतलब तुम्हारा दाखिला ही नहीं हुआ? नहीं, स्कूल तो गई थी, माँ मुझे ले भी जाती थी। मुझे जितना याद है, मैं बहुत डरती थी स्कूल जाने से। नहीं जाऊंगी। अरे क्यों रुला रही हो हमारी बिटिया रानी को? आपकी राज रानी कह रही है स्कूल नहीं जाएगी वो। अरे नहीं स्कूल जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा है? अरे इसे कौन सा पढ़ लिखकर मास्टर नहीं बनना है, चलानी तो गृहस्थी है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, एक तो ये पहले से ही नकचढ़ी है, ऊपर से उसे और सिर चढ़ा लो। अरे भगवान डरती होगी, अब स्कूल में लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां हैं कितनी वहां, जो थोड़ा बहुत सीखना है ना घर में सीख लेगी। कौन सिखाएगा उसे, आप? अरे मास्टर जी को बोल दूंगा, घर आकर पढ़ा जाया करेंगे। चल बेटी। पर ना कभी मास्टर जी आए और ना मैं पढ़ी। पिताजी के लाड़ प्यार और जरा सी लापरवाही ने मुझे इतनी बड़ी निधि से वंचित रख दिया। मैं भी नहीं जानती थी कि जिस चीज के लिए मैं इतना खुश हो रही थी वही बात मेरे लिए जिंदगी भर रोने का कारण बन जाएगी। खैर जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते भौजी, पर भविष्य तो अपने हाथ में है, उसे हम जैसा चाहे बना सकते हैं, जैसा चाहे बिगाड़ सकते हैं। मतलब मैं पढ़ सकती हूँ? सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, आप देखना मैं आपको कितनी जल्दी इम्तिहान दिला दूंगी। सच सच? विमला के आश्वासन ने मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जगा दी। बहन जी, दामाद जी बिना किसी को बताए अचानक इस तरह चले गए और आपने हमें खबर भी नहीं की। समधी जी, इसमें खबर देने की क्या बात थी, उसकी छुट्टी खत्म हो गई तो उसे जाना ही था। मगर बहन जी, गायत्री को इस उम्र में स्कूल भेजने की बात समझ में नहीं आई। जिस उम्र में उसे स्कूल जाना चाहिए था उसमें तो आपने उसे भेजा नहीं। अगर वो अब स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, तो इसमें आपको क्या इतराज है? वो जाना चाहती है या आपने उसे भेजा? बात कुछ भी हो इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहन जी, बेटियां हमारे घरों की लक्ष्मी होती हैं और हम उन्हें बाहर नहीं निकालते। इसीलिए हम औरतें सारी दुनिया जहान से कट कर रह गई। हम गांव वालों को ये बात शोभा नहीं देती बहन जी। देखिए समधी जी, जैसे पुराने होने पर हम अपने वस्त्र बदल देते हैं, उसी तरह अगर जरूरी हो तो पुराने विचारों को भी त्याग देना चाहिए, अगर उनमें हमारा भला होने की बजाय बुरा हो रहा हो। तो इसका मतलब हमने जो कुछ सुना वो सच है? क्या सुना आपने? यही कि दामाद जी नाराज होकर घर से इसलिए गए कि हमारी बेटी अनपढ़ है। सुनने में बुरा तो लगेगा लेकिन असलियत यही है। ये हमारा अपमान है बहन जी, हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएंगे। देखिए समझी जी, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, बड़ों को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। आज नाराज होकर गया कल आ जाए। आप इसे छोटी मोटी बात कहती हैं? अब अगर दामाद जी लौट भी आए तो उनसे कहिएगा गायत्री को मायके से लौटा लाएं, तब तक हमारी बेटी हमारे पास रहेगी। अगर आपकी मर्जी में ही बहू की मर्जी है तो मैं नहीं रोकूंगी, ले जाइए आप। चलो बेटी, तुम हमारे साथ चल रही हो अभी। नहीं बाबूजी, बाबूजी मेरी शादी के बाद मेरे प्रति आपके सारे दायित्व समाप्त हो गए, अब मेरा जीना मरना इसी घर में है। मगर बेटी, जिसके साथ तुझे भेजा था जब वही तुझे अपनाने से इनकार कर रहा है तो? बाबूजी, बाबूजी अगर वैद्य हमें कोई बीमारी बताता है जिसकी जिसकी हमें पहले से जानकारी नहीं है तो हम उसका इलाज कराते हैं, उसे छुपाते नहीं है। मैं जान गई हूं वो मुझसे क्या चाहते हैं, कमी मुझ में है और वो कमी मुझे मुझे ही पूरी करनी है बाबूजी। मगर बाबूजी, आपकी मान्यताएं आपके लिहाज से सही है, मगर मगर इस सब के बाहर भी एक दुनिया है,
मेरे पति उसी दुनिया के आदमी हैं, और आज की वही वास्तविक दुनिया है बाबूजी। मुझे उसी दुनिया में लौटना है, और मैं जान गई हूं कि वहां जाने का रास्ता स्कूल से होकर जाता है। ठीक है बेटी, मैं वही चाहूंगा जिसमें तेरा भला हो। मैं सोचता था गहने, कपड़ों और खेत खलियान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मेरी बेटी के पास ये सब कुछ है, वो हमेशा खुश रहेगी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि इससे भी एक बड़ी दौलत है शिक्षा, जिससे मैंने तुझे वंचित रखा। बेटी, ये सब कुछ होते हुए भी तू गरीब रह गई। बाबूजी, आपने जो कमाया सब मुझे दे दिया, जो आपने नहीं दिया उसे मैं खुद कमाऊंगी। पढ़ना सीख लिया है, अब आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। डाकिया, 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 राम राम माँ जी। राम राम शाम्भू, किसकी चिट्ठी लाए? आपकी ही लाया हूँ। चिट्ठी नहीं, मनी आर्डर है देवेंद्र बाबू का शहर से। देवेंद्र का? लाओ मैं इसे पढ़ दूं। अरे रहने दे तू। बहू जरा इधर तो आना। अच्छा ये देख, देवेंद्र का मनी आर्डर आया है, जरा पढ़ के तो देख क्या लिखा है। शीमा जी, अब पूजनीय माता जी चरण स्पर्श, मैं यहाँ ठीक हूँ, आपको 1000 रुपये भेज रहा हूँ, पाते ही खबर खबर करना। मेरे लायक कोई सेवा हो तो लिखना। आपका आज्ञाकारी पुत्र। बस यही लिखा है? अच्छी तरह देखना, यही लिखा है बच्ची। तेरे बारे में कुछ नहीं लिखा। ले रे शामू, वापस कर दे तू, हमें नहीं चाहिए उसके पैसे। अरे क्या कह रही माँ जी, देवेंद्र भैया क्या सोचेंगे? तुझे जो कहा है वही करना, चल। जैसी आपकी इच्छा। ये समझता क्या है अपने आप को, ये पैसे नहीं भेजेगा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बहू,
बहू। तू क्यों फिक्र करती है? मैं हूं ना। ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं माँ जी, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, आप दादी बनने वाले हो, मुबारक हो। मैं दादी? आपके मुंह में घी? भगवान ने सुन ली मेरी। आप अपनी बहू का ध्यान रखिएगा और समय समय पर जांच के लिए इन्हें मेरे पास लाते रहिएगा, और बच्चे और इनकी सेहत की रक्षा के लिए इन्हें कुछ टीके लगाने होंगे और समय समय पर कुछ दवाइयाँ देनी होंगी। पर माँ जी आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं, आप बस इन्हें मेरे पास लाते रहिएगा, बाकी सब मैं बता दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चलो चल बहू, तू फिकर मत कर, अब समझ तेरा देवेंद्र से रिश्ता और पक्का हो गया है इस बच्चे के तुम दोनों के बीच में आ जाने से, है ना? ओ मेरे बच्चों, चल मैं दादी हूँ, बच्चा खिलाऊंगी। और बताओ मौसी क्या लिखना है? लिख, पुरानी बातों को भूल जाए। पुरानी बातों को भूल जाए और घर लौट आए। और घर लौट आए। बहू अब पढ़ने लिखने लगी है। बहू अब पढ़ने लिखने लग गई है। तेरे साथ रहेगी तो और सीख जाएगी। तेरे साथ रहेगी तो और सीख जाएगी। और बताओ लिख लिया? आगे लिख के बहू अब माँ बनने वाली है। क्या मौसी, तुमने मुझे तो बताया नहीं। अरे अब जो बता रही हूँ, चल लिखना। बहू अब माँ बनने वाली है। लिख लिया? ऐसे में उसका तेरे पास रहना बहुत जरूरी है। वो दिन रात तेरी राह तकती रहती है। मुंह से कुछ नहीं कहती लेकिन उसकी आंखें हमेशा दरवाजे की तरफ लगी रहती है। और क्या कहूं, थोड़े को ज्यादा समझना तुम्हारी माँ देव। मौसी तू तो रोने लगी। नहीं तो बेटी, नहीं, ये मेरे पता नहीं कहाँ से आ गए आंसू। और सुन, इसको बंद करके ना डाल देना डाकखाने में। तू मौसी डाल दूंगी, तू चिंता मत कर, भूलना मत। अरे नहीं मौसी। अरे एक बात और सुनो, अपनी भौजी को मत बताना कि मैंने उस नलायक को चिट्ठी लिखवाई है। क्यों, ऐसे क्यों? मैं चाहती हूँ कि देवेंद्र अचानक आकर उसे चौंका दे। धीरज मौसी ऐसे ही होगा। अच्छा तो क्या उसके बाद पिताजी ने दादी की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया? माँ ना तो कोई चिट्ठी आई ना वो खुद आए। और फिर उसके बाद आपने क्या किया? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। देख तेरी बातों के चक्कर में पहले ही बहुत देर हो गई है, मुझे रुक्मणी के बच्चों का दाखिला कराने के लिए जाना है। पर माँ मैंने कहा ना बाद में बताऊंगी। मास्टर जी को बुला लो। अच्छा दीदी अभी ला। आओ बैठो। दादी
नमस्ते दीदी। नमस्ते मास्टर जी। कहिए आज किसे ले आई साथ? मास्टर जी ये रुक्मणी है, प्रीतम की घरवाली। प्रीतम वो जो राजू स्त्री है? जी जी, इसके बच्चों का दाखिला कराना है। अच्छा, वैसे दीदी दाखिले के लिए तो काफी देर हो चुकी है, और जब आप लाई हैं तो लेना तो पड़ेगा ही इन्हें। मास्टर जी अगर मैं इन्हें यहाँ नहीं लाती, कोई और भी लाता, तब भी आपको इन्हें लेना चाहिए था। ये भोले भाले गाँव के लोग तो शिक्षा के महत्व से अनजान है, मगर आप और मैं तो समझते हैं ना। ये तो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ का प्रसाद तो हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो कभी भी आए। जी इसीलिए तो मेरी हिम्मत नहीं होती किसी बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने की। दीदी लगता है आपने तो प्रण कर ही लिया है कि आप छोड़ेंगे नहीं अब गांव के किसी बच्चे को। मेरे इस प्रण में आप भी तो मेरे साथ शामिल हैं। बेशक, हमारे यहाँ रहने का मकसद ही खत्म हो जाएगा अगर गांव का एक भी बच्चा अनपढ़ रह गया तो। दीदी मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी थी। जी कहिए। आप गांव के सारे बच्चों को ला तो रही हैं, पर इनके बैठने की थोड़ी व्यवस्था और करा दीजिए। मैं समझती हूँ मास्टर जी, बच्चे बढ़ रहे हैं और सुविधाओं की कमी हो रही है। मैं प्रधान जी से बात करूंगी, अगर पंचायत हमारी मदद कर देती है तो ठीक है, वरना हम लोग श्रमदान से ही और कमरे बना लेंगे। क्यों, प्रीतम मदद करेगा ना इस काम में? क्यों नहीं, सभी करेंगे तो हम भी करेंगे मदद। दीदी ताज्जुब है आपके साथ एक महिला है और वो भी अंगूठा छाप। सुन लिया, तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। दीदी थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। कल से स्कूल में बच्चों को भेजकर मैं आपकी कक्षा में पढ़ने आ जाऊंगी। अच्छा मास्टर जी धन्यवाद। चलो जरूर ले आइएगा बच्चे। जी